ये सील हम लोग चेंज करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल गिर रहा है मेरा और तुम्हारा सेम है। तो ये है सस्पेंसर साकल 600AJ का और हम लोग इसको चेंज करेंगे। आप लोग देखिए कैसे चेंज करते हैं और हम और आप मिलके और सीखेंगे कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, मैं भी पहली बार खोल रहा हूँ और मैं भी देख रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग देख सकते हैं कैसे बना रहा हूँ। ठीक है, ओके। सस्पेंसर साकल खोलने से पहले आपको पैनल खोलना होता है। पैनल खोलने के लिए आपको 14 और 17 का पाना रहना चाहिए। 14 और 17 का पाना रहना चाहिए, 2 पाना रहना चाहिए। ठीक है, और आपको बताता हूँ क्यों रहना चाहिए। अब पहले पैनल खोलेंगे। पैनल खोलने के बाद ही आप पैनल खोल देंगे, दोनों बगल बोल्ट होता है, देखिए आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये 14-15 का है, एक 16-17 का भी लगता है। ठीक है, 14-15, 16-17 ये सब रहना चाहिए पाना आपके पास। ठीक है, और उसके बाद खोलने के बाद आपको यहाँ पे लगेगा, यहाँ देखिए, देख रहे हैं, 17 का और 14 का लगेगा। आप लोग को दो पाइप दिख रहा होगा, एक में 14 का पाना लगेगा, एक में 18-19 का लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देखो ध्यान से कैसे मैं लगा के दिखा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ताकि आप लोग को मतलब एक्सपीरियंस हो, ऐसा मत समझिए कि मतलब आप लोग गलत ना समझिएगा, मैं दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि दिखाओ, चला के दिखाओ, बता के दिखाओ, तो इसके लिए ठीक है। आप लोग देखिए कैसे खोलना है। 18-19 का पाना इसमें लगेगा जो हाथ खोल रहे हैं साहब अपना मैकेनिक, और वो आगे वाला जो है उसमें 14 का पाना लगेगा। तो ऐसे फोल्ड करके रख रख। तो ये सस्पेंसर साकर खोलने के लिए आपको 19 का गोटी लगता है, इसमें 19 का गोटी लगेगा और 4 बोल्ट दिया रहेगा अंदर। देखिए 4 बोल्ट दिख रहा होगा, दो दो साइड में दिख रहा होगा, दो नीचे देख रहे होंगे। 4 बोल्ट लगता है, 19 का गोटी लगता है इसमें, ध्यान से देख लीजिए आप लोग और अच्छे से खोलिएगा, क्योंकि उसका वेट रहता है थोड़ा, बहुत ज़्यादा वेट होता है। हाँ, ध्यान से खोलिएगा, 10 kg या 15 kg ज़्यादा ही होता है, क्योंकि मैं उठाया था, बहुत वेट था यार, लगाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तो 2 आदमी लगाएं, एक अकेले ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि अकेले बहुत दिक्कत होता है। देख रहे, एक बोल्ट मिस था, खुल ही नहीं रहा था, 19 का ही गोटी लग रहा था बट खुल नहीं रहा था, तो उसको हम लोग अपना छिन्नी से मार के उसको चौड़ा करके फिर खोले हम लोग, बहुत दिक्कत होता है खोलने में। तो आप लोग 4 बोल्ट देख सकते हो आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए, 4 बोल्ट दिख रहा होगा आप लोग को, इसके लिए जूमिंग करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि दिख सके। हाँ, ये 4 बोल्ट है मेरा और तुम्हारा सेम है। सेम है। तो आप सस्पेंसर साकर सील लगाने के लिए खोले तो ध्यान से खोले, अपने पैर पे न गिरा ले। सस्पेंसर साकर खोलने के लिए आपको 26 का गोटी लगता है, 26 का गोटी नहीं खोलेंगे तभी आपका एयर निकलेगा, तभी ये गिरेगा व्हाइट वाला जो दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, और पैर पे न गिरा ले, बहुत वेट है उसमें। ठीक है, सस्पेंसर साकर खोलने के बाद अच्छे से उसको सफाई करें, अच्छे से सफाई करने के बाद ही सील लगाएं, ये नहीं कि ऐसे कचरा रहे और लगा दे। ठीक है, तो पहले अच्छे से साफ कर ले कचरा निकालने के बाद। तो नए पैक में 3 सील आता है, लेकिन व्हाइट वाला सील नहीं गया था, 2 सील गया था, एक ब्लैक और एक रेड। देखिए रेड वाला लगाए हैं अभी, वो लगाया अभी, ब्लैक वाला लगा रहा ऊपर। ठीक है, तो 2 ही सील गया था, इसके लिए बहुत ज़्यादा ऑयल गिर रहा था, बहुत ज़्यादा गिर रहा था, ऑयल बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो ध्यान से लगाए, अच्छे से पहले पोंछ के उसके बाद ही लगाए, और दिमाग अस्थिर करके, ठीक है, दिमाग एक जगह छोड़ के लगाएं, यानी कि घर पे छोड़ के लगाएं। तो ध्यान से लगाएं आप लोग, और वीडियो बन गया तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी होगा लगाने में। तो आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो ध्यान से देखिए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, तो आप लोग को एक बात और बताना भूल गया था, इसमें सस्पेंसर साकर खोलने के लिए आपको एलंकी लगता है। देखिए जो हाथ रखे इस राइट हैंड में आपको दिख रहा है, एलंकी लगता है, 5.8 का एलंकी लगता है। ध्यान से सुन लीजिए, 5.8 का एलंकी लगता है, ये देखिए ध्यान से देख सकते हैं आप लोग, 5.8 का एलंकी से खोलेंगे और उधर जो दिख रहा है, आगे जो दिख रहा है उसमें एयर निकलता है, उसका 26 का गोटी लगता है, उधर 26 का गोटी लगता है, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। ठीक है, तो अच्छे से बैठाएं, देखिए मैं बैठा रहा हूँ, मार रहा हूँ, हैमर तो नहीं जा रहा है, तो अभी इसको अच्छे से नहीं जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहा, तो अभी उठा के पटकेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपना लग गया है सील, अब हम लोग जा रहे हैं बैठाने के लिए, इसको बैठाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, बहुत वेट है यार, मानना पड़ेगा बहुत वेट है, ध्यान से। तो आप लोग देख सकते हैं 19 का इसमें गोटी लगता है, अभी हम लोग टाइट कर रहे हैं, बहुत वेट है यार इसमें, सस्पेंसर साकर में बहुत वेट है, मानना पड़ेगा, इतना वेट है मानना पड़ेगा। तो अभी हो गया रेडी, और ये जो दिख रहा है आप लोगों को, देखो हाथ जो रखा, मैं हाथ रख रहा हूँ, इसमें 26 का गोटी लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।